हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक आसान टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़कर। क्योंकि जानना चाहेंगे क्या नाम है उसका? उसका नाम है परिमेय संख्याएं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को संख्याएं तथा संख्याओं के प्रकार के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए, सबसे पहले यदि हम संख्याओं की बात करें तो यदि संख्याएं हमारे जीवन में ना हो तो हम किसी भी चीज़ को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर कैसे? तो देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं आपकी क्लास में। जब वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनका क्या किया जाता है, अटेंडेंस लिया जाता है कि कौन कौन बच्चा विद्यालय आया है और कौन नहीं आया है। तो वो जो उपस्थिति दर्ज की जाती है सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उस क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं ये पता चल सके। यदि आप विद्यालय स्कूल बस से जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उस स्कूल बस का भी एक नंबर होता है। क्यों होता है उस स्कूल बस का नंबर? क्योंकि उस नंबर से पता चल जाता है कि ये बस इस स्कूल की है और ये बस दूसरे स्कूल की है। इसी प्रकार से आप जब परीक्षाएं देते हैं तो वहां पर आपको रोल नंबर दिया जाता है ताकि आपकी जब कॉपी चेक होती है तो उससे पता चल जाए कि इस बच्चे का कॉपी है ये रोल नंबर के अनुसार। लेकिन आप लोग बहुत सी बार देखते होंगे, आप लोगों को संख्याएं कभी भिन्न रूप में मिलती हैं, कभी साधारण रूप में मिलती है, कभी धनात्मक रूप में मिलती है तो कभी ऋणात्मक रूप में मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्राकृतिक संख्याएँ की, और इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है और इंग्लिश के कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार आगे चलती जाती हैं और अनंत तक जाती हैं। यदि मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो मेरे इस हाथ में एक टोकरी है और इस हाथ में एक प्लेट है जिसमें बहुत सारे फल रखे हुए हैं। इसमें मैंने राजू को कहा, इस प्लेट से कुछ फल उठाकर इस टोकरी में डाल दो। राजू ने क्या किया, सबसे पहले अनार डाला एक, फिर एक आम डाल दिया, फिर एक केला डाल दिया, वापस से एक आम डाल दिया और फिर एक अनार डाला। और मैंने राजू से वापस पूछा कि तुमने टोटल कितने फल डाले? तो राजू ने कहा, गुरुजी मैंने कुल 5 फल डाले। तो राजू ने इसके लिए किसका उपयोग किया, गिनती का उपयोग किया, इसीलिए इन्हें गिनती वाली संख्या भी कहा जाता है। चलो, दूसरा आता है आपके पास पूर्ण संख्या। यदि मैं राजू से कहता हूं इसी टोकरी में से तुम्हें वापस से फल निकालने हैं और इसी प्लेट में तुम्हें जमा देने हैं, राजू एक एक करके वापस टोकरी से फल निकालना शुरू कर देता है। जैसे जैसे राजू टोकरी से फल निकालना शुरू करता है तो यहाँ पर टोकरी जो होती है वो खाली हो जाती है, अर्थात उसमें कितने, आप मुझे बताइए उसमें कितने फल बचेंगे शेष? आपका उत्तर होगा कि 0, 1 भी नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ में शून्य को भी ले लिया जाए तो ये सारी संख्याएं मिलकर हमारी बनती हैं पूर्ण संख्याएं, इसीलिए इन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हॉल नंबर कहा जाता है और कैपिटल W द्वारा निरूपित करते हैं। चलो, ये हमारी 0 से लेकर अनंत तक की सारी धनात्मक संख्याएं जो है कंप्लीट हो गई। यदि मैं इसके आगे की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले ऋणात्मक संख्याओं के बारे में भी बताना चाहूंगा क्योंकि धनात्मक संख्याओं के साथ साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम, यदि ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सबको समझ में आएगा आपको, यदि धनात्मक संख्याओं के साथ साथ में ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लिया जाए, धनात्मक संख्याओं के साथ साथ में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी ले लिया जाए तो हम कहेंगे इन्हें पूर्णांक संख्याएं। क्या कहेंगे बेटा? पूर्णांक संख्या। इन्हें अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है और कैपिटल I द्वारा या कैपिटल Z द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि मैं इन्हें एक संख्या रेखा पर निरूपित करता हूं तो 0 से सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड वाली जितनी भी मेरी संख्याएं रहेगी वो सारी संख्याएं मेरी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। 0 से उल्टे हाथ की तरफ वाली जितनी भी संख्याएं रहेगी वो सारी मेरी ऋणात्मक संख्याएं रहेगी। इसी प्रकार
संख्याएं जो होती है पूर्णांक संख्याओं के अनुसार, पूर्णांक संख्याओं के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है धनात्मक, दूसरी होती है ऋणात्मक और तीसरा होता है शून्य। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की यदि हम बात करते हैं तो ये सदैव जीरो से सीधे हाथ की तरफ बढ़ती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जीरो से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ती हैं और शून्य जो रहता है ये ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपको सर्दी, गर्मी, बारिश इन मौसम में काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि कब तापमान ऊपर बढ़ता है कब तापमान नीचे बढ़ जाता है। तो देखो, जब भी तापमान ऊपर जा रहा है मतलब कि गर्मी बढ़ रही है, तो इस तापमान के अनुसार यदि हम समझते हैं तापमान मापी के अनुसार, तो जब भी ऊपर की तरफ मान जाएगा तो पूरा मान आपका धनात्मक होगा। शून्य से ऊपर की तरफ जो भी मान जाएगा वो सारा आपका धनात्मक मान होगा। शून्य से नीचे की तरफ जो भी मान होगा आपका, ये पूरा मान आपका ऋणात्मक मान होगा। तो ये थी बेटा आपके पास सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए अब सीखते हैं हम किस तरह से आपको यदि पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना हो तो कैसे आप जोड़ सकते हैं। देखिए, आपको ये पांच रंग के यहाँ पर गोले नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको पांच रंग के लाल कलर के गोले नजर आ रहे हैं। इन्हें यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि कैसे हम इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर पांच हैं आपके पास और यहाँ आठ है। पांच कलर के ये जो गोले हैं, इन जो पीले पीले गोले हैं, इनके स्थान पर हम इन लाल गोलों को जमा देते हैं। तो देखो, यहाँ पर पांच गोले हमने जमा दिए, यहाँ पर माइनस है तो इन पांच गोलों को हटा दो। शेष कितने बचते हैं हमारे पास, आपको नजर आता है शेष बचते हैं तीन, और ये जो तीन होंगे ये तीन क्या है हमारे पास, धनात्मक हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। चलो इसके आगे यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले भिन्न संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पर ज्ञान होना जरूरी है। भिन्न संख्या किसे कहा जाता है, पूर्ण के शेष भाग को निरूपित करना। जैसे कि आपका ये पूरा आपको नजर आ रहा है भाग, ठीक है, ये पूरा भाग चार भागों से मिलकर बना है। ये पूरा कब होगा, जब हम इन चार भागों को जोड़ देंगे। यदि मैं इस भाग को हटा लेता हूं, इस भाग को क्या करता हूं, हटा लेता हूं, तो यहां पर मुझे समझ में आता है, क्या समझ में आएगा कि ये जो भाग है इस पूरे का शेष भाग है। ये यदि भाग में निकाल देता हूं तो इस पूरे का ये क्या होगा, मेरे पास शेष भाग होगा। अर्थात ये आपका एक भिन्न रूप होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बटे चार, ये आपका शेष भाग भिन्न रूप होगा। दो बटे पांच, शेष भाग क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पर भिन्न रूप रहेगा। इसी तरह से 16/24, ये आपका क्या रहेगा, भिन्न रूप रहेगा। पूर्ण का शेष भाग को निरूपित करना, यही क्या रहता है हमारा, भिन्न रूप रहता है। ठीक है बेटा, तो आसानी से आपको समझ में आया होगा, मैं इसे आपसे आशा करता हूं। इसीलिए कहा गया है भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। क्या निरूपित करती है, किसी संपूर्ण चीज का, इस पूरे का ये छोटे से भाग को जो निरूपित कर रही है, यही क्या है आपके पास, भिन्न रूप है। क्लियर। चलिए भाई इसके आगे समझते हैं। आगे आता है आपके पास परिमेय संख्याएं, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टॉपिक जो आप लोगों को डराता है, लेकिन अब डरना नहीं है। देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में तो लिखते हैं, लेकिन क्यू का मान यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी तथा क्यू जो रहेंगे वो आपके यहाँ पर पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक रहते हैं तो पूर्णांक तो आपके धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। जब पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो, अर्थात पी बटे क्यू रूप को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं बेटा, परिमेय संख्याएं। यहाँ पर शून्य इसलिए नहीं होता क्यू का मान, क्योंकि हमें पता है यदि किसी भी संख्या में या किसी भी अंक में
यदि हम शून्य का भाग देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होता है, और यदि अनंत प्राप्त होगा तो उसका कोई मान हमें प्राप्त होता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि Q कभी भी आपका जो है यहाँ पर शून्य नहीं होगा। 16/86 ये आपकी परिमेय संख्या है, -3/7 परिमेय संख्या है, -4/-9 परिमेय संख्या है, 16/18 परिमेय संख्या है। इस तरह से ये जो सारी संख्याएं मिलती हैं आपको परिमेय संख्याएं मिलती हैं। परिमेय संख्याएं आपकी धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, ये सदैव ध्यान रखना आप। चलो तो हम यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इसे हल करते हैं। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले शून्य, शून्य के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ सर, हम लिख सकते हैं, आपका उत्तर यही होगा, क्योंकि 0/1 यदि मैं लिख देता हूँ तब भी मुझे मान क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा, अर्थात ये मेरे पास क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। -5/1 कर देता हूं मैं तब भी मेरे पास क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 3.5 यदि मैं यहाँ पर दशमलव हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 35/10, ये भी क्या हो गई, P/Q का रूप, तो इसे भी मैं क्या कहूंगा, परिमेय संख्याएं। 4/0 देखिए ध्यान से, 4/0, और हमने कहा है कि P/Q में Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान यदि शून्य के बराबर कर दिया तो वो पूरा आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा अनंत, अर्थात हम कहेंगे ये परिमेय संख्याएं नहीं है। 22/7 क्या आपकी परिमेय संख्या है, फटाफट से ये आप मुझे सॉल्व करके बताइए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं रही होगी उम्मीद करता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ में आपको परिमेय संख्या भी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।